नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस शो तक की खास प्रस्तुति। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही विशेष टॉपिक। आने वाला समय दे रहा है बड़े उथल पुथल के संकेत। जी हां, लेकिन इससे पहले आपको जरूर बोलूंगा इस शो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोज यूट्यूब और फेसबुक पर, और साथ ही साथ में तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएं। अब एक बात, कमल नंदलाल ये कहता है शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर जरूर करें। क्या कारण है जानते हैं? क्योंकि आपका एक शेयर किसी के जीवन को सुखद समृद्ध बना सकता है, किसी के निराशा भरे जीवन में आशा की किरण जगा सकता है, इसलिए शेयर तो बनता है। सीधे बात करेंगे आज के विषय पर। आने वाला समय दे रहा है बड़े उथल फुथल के संकेत। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, देखिए 23 सितंबर 2020 को सुबह 7:38 पर राहु और केतु ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। राहु वृषभ राशि में आ गए और केतु जो है वो वृश्चिक में आ गए। राहु मृगाशीर्ष नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में, और केतु जो है बुध के नक्षत्र में आ गए। अभी राहु के मृगाशीर्ष नक्षत्र में 2 चरण बाकी हैं और लगभग उतने ही चरणों में केतु जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। ज्येष्ठा बुध का नक्षत्र है और काल पुरुष सिद्धांत के अनुसार बुध जो है वो पराक्रम भाव का स्वामी माना जाता है, तीसरे भाव का स्वामी माना जाता है। पड़ोसियों से संबंध भी तीसरे भाव से देखे जाते हैं और 7x7 के अंदर युद्ध क्षेत्र या पराक्रम क्षेत्र भी तीसरे भाव से देखा जाता है। वर्तमान समय पे भारत की जो कुंडली है उसके गोचर में, लग्न गोचर में राहु विराजमान है और 7वें भाव में केतु विराजमान है। 7वां भाव पार्टनरशिप का होता है, पड़ोसियों के साथ पार्टनरशिप का होता है। ऐसे में बहुत सारे देशों का साथ छूटने की संभावना है, ऐसी संभावना बनती है कि तू स्थान हानि करे तू। रोहु राहु जो होता है उग्र भवंतु, बहुत उग्र बना देता है चीजों, तो ये समय देश में ऐसी स्थिति को जन्म देता है कि उग्रता फैलेगी, ऐसी संभावना बिल्कुल बनती है। साथ साथ केतु की दृष्टि भारत के तीसरे भाव पर आ रही है और राहु लग्न में बैठा हुआ है, विच इंडिकेट्स द ब्रीच इन पार्टनरशिप। साथ साथ केतु की दृष्टि लाभ भाव पर भी आ रही है, राहु की दृष्टि भाग्य स्थान को खराब करती है। इसके साथ साथ 5वां भाव जनता का भी भाव है, तो एक ऐसी संभावना जरूर समझ आती है कि आने वाले जो 6 महीने का समय है लगभग, उसमें ऐसी स्थिति जरूर जन्म लेती है कि कहीं ना कहीं सीमाओं पर कुछ संकट की संभावना है, उथल पुथल की संभावना है। 7x7 में एक ऐसी दृष्टि, क्योंकि राहु जो है अभी मंगल के नक्षत्र में है इसलिए यह संभावना व्यक्त की जाती है। 7x7 के अंदर शनि 29 सितंबर 2020 को प्रोग्रेसिव होने जा रहे हैं। अब शनि की जो दृष्टि है सीधी भारत के तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव फिर से पराक्रम का भाव है, शनि की दृष्टि में विष होता है। मूलतः वृष राशि को गुलाबी अग्नि कहा गया है। राहु का वृष में बैठना अपने आप में एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम स्विच करती है और इसके साथ साथ एक बड़ी विचित्र चीज होने वाली है, वो ये कि इस बार के नवरात्रि जो है वो कुछ उलट संकेत दे रही है। नवरात्रि कब से है? देखिए अश्विन माह की जो नवरात्रि है,
शारदीय नवरात्रि की घट स्थापना 17 अक्टूबर 2020 को होने जा रही है और विशेष तौर से 17 अक्टूबर 2020 का जो दिन है अपने आप में विशिष्ट है और मैं आपको उस दिन के कुछ विशेषता बता दूं। देखिए 17 अक्टूबर 2020 दिल्ली के रेखांश और अक्षांश पर दिन जो है वो शनिवार का है और स्टार्टिंग ही विष और कुंभ योग से हो रही है। विष का मतलब जहर और कुंभ का मतलब अमृत। कुंभ भी है, विष भी है और कुंभ भी है, यानी कि जहर भी है और अमृत भी है, दोनों साथ में। किस्तुग्न करण रहेगा घट स्थापना के समय और विशेष तौर पर चित्रा नक्षत्र रहेगा। और आपको विशेष तौर से बता दूं कि शनिवार और चित्रा नक्षत्र अपने आप में कुछ विशेष परिस्थितियां रखते हैं। इस दिन विशेष रूप से अगर देखा जाए अनादि एक योग है काण, जो विशेष रूप से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक योग बनता है। और साथ ब साथ में अगर हम तमिल योग की बात करें साउथ इंडियन टेक्निक से तो मारण योग बनता है सुबह 11:52 तक। तो विशेष रूप से जो समय है ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक समय है। अब आपको बता दूं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे शास्त्रीय आधार क्या है। देखिए देवी भागवत ग्रंथ के अनुसार वैसे तो देवी दुर्गा का वाहन शेर है, सिंह है, लेकिन यही ग्रंथ ये भी बताता है कि हर साल नवरात्र में, चारों नवरात्र में देवी के अलग अलग वाहनों पर देवी सवार होकर आती हैं। और विशेष रूप से आपको बता दूं कि जिस वाहन पर देवी सवार होकर आती हैं देश और जनता पर उसका असर उसी प्रकार से अलग अलग होता है। देखिए शास्त्र क्या कहता है, शशि सूर्य गजरूड़ा शनि भौ में तुरंग में गुरु शुक्रे चदुलायाम बुधे नौका प्रतिकीर्तम। मतलब सोमवार और रविवार को अगर घट स्थापना होती है तो देवी दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है। शनिवार और मंगलवार के दिन अगर नवरात्रि की स्थापना होती है तो देवी का वाहन घोड़ा माना जाता है, इस बात को ध्यान रखा जाए, घोड़ा। गुरुवार या शुक्रवार को अगर नवरात्र की स्थापना होती है तो देवी डोली में बैठ के आती है। बुधवार को अगर नवरात्र होती है तो देवी नौका यानी कि नाव पर सवार होकर आती है। अब ये जानते हैं देवी के वाहन का शुभ और अशुभ असर। देवी जिस वाहन पर पृथ्वी पर आती है उसके अनुसार साल भर होने वाली घटनाओं का भी आकलन किया जाता है। ये साल का दूसरा नवरात्र है तो चैत्र नवरात्र तक क्या स्थिति बनती है अब ये जानते हैं। शास्त्र क्या कहता है, गजेच जलदा देवी छत्र भंगे स्तुरंग में नौक्याम सर्वसिद्धिस्या ढोलायाम मरण ध्रुवम। देवी जब हाथी पर सवार होकर आती हैं तो पानी ज्यादा बरसता है। अब घोड़े पर आती हैं जो इस साल होने वाला है, शनिवार और मंगलवार के दिन अगर नवरात्रि की स्थापना हो तो घोड़े पर आती हैं तो पड़ोसी देशों से युद्ध के आसार बनते हैं, आशंका बनती है। देवी जब नौका पर आती हैं बुधवार का दिन होता है उस समय मनोकामनाएं पूर्ति होती हैं और डोली पर आती हैं तो महामारी का भय बनता है। अब बहुत कुछ निर्भर यह भी करता है कि देवी किस दिन जा रही है, यानी कि जिस दिन नवरात्र का अंतिम दिन होता है उसी के अनुसार देवी का वाहन भी तय होता है। शास्त्र क्या कहता है, शशि सूर्य दिने यदि सा विजया, यानी कि जिस दिन विजयदशमी हो महिषागमने रजु शोकारा, यानी कि शोक होता है अगर सोमवार और रविवार के दिन देवी अगर जाती हैं तो भैंस पर बैठ के जाती हैं। शनि भौमा दिने यदा विजया चरणा युद्ध यानी करी विकला, यानी कि
अगर शनिवार या मंगलवार के दिन देवी मुर्गे पर बैठ के जाती हैं तो विशेष रूप से दुख और कष्ट की वृद्धि होती है। सोमवार और रविवार के दिन देवी भैंसे की सवारी करती हैं तो देश में रोग और शोक बढ़ता है। और शनिवार या मंगलवार को अगर देवी विजयदशमी पर जाती हैं तो मुर्गे पर सवार होकर जाती हैं, जिससे दुख और कष्ट की वृद्धि होती है। बुध शुक्र दिन यदि सा विजया गजवाहन गा शुभ वष्टिकरा, यानी कि बुधवार और शुक्रवार को देवी हाथी पर जाती हैं, इससे बारिश ज़्यादा होती है। और लास्ट क्या बोला जाता है, शास्त्र क्या कहता है, सुर राजे गुरु यदि सा विजया नरवाहनाम गा शुभ सौख्यम करम, इनकी गुरुवार को माता दुर्गा मनुष्य की सवारी करके जाती है, जिससे जो सुख और शांति की वृद्धि होती है। विशेष ये कमल नंदला नहीं कह रहा है, ये शास्त्र कह रहा है, आप चेक कर सकते हैं इसको। ये जो समय है, और एग्जैक्टली ये जो समय है 16 दिसंबर तक का, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बनने जा रहा है। कारण क्या, देखिए 20 नवंबर के इधर उधर बृहस्पति जो है अपनी राशि परिवर्तन करेगा। अभी वर्तमान के समय में बृहस्पति जो है वो स्वराशि के होकर के चल रहे हैं, और तीसरे भाव पर केतु की, मंगल की, बृहस्पति की, और विशेष रूप से अब विशिष्ट एक बात को समझना होगा कि शनि जो है ना बहुत स्पेसिफिक कंडीशन में कुछ चीजों को देख रहे हैं। शनि की दृष्टि भारत के तीसरे भाव पर, मंगल की दृष्टि भारत के तीसरे भाव पर, बृहस्पति 20 नवंबर के बाद में शनि के साथ में जैसे जुड़ेंगे वैसी संभावनाएं बहुत विकट हो जाती हैं कि हाँ कुछ ऐसी स्थिति बनने वाली है। लेकिन कुछ चीज़ें भारत के लिए पॉजिटिव हुई, जैसे आर्थिक मंदी जो आई हुई है भारत के अंदर, उससे निजात मिलेगी। सोने का भाव अब अकस्मात से डाउन होना शुरू हो जाएगा 20 नवंबर के बाद, इसलिए जितने भी सोने के इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हालांकि बृहस्पति अभी शुक्र के नक्षत्र के चौथे चरण में चल रहे हैं पूर्वाषाढ़ा में, वृद्धि अभी भी होने की संभावना है। लेकिन दिसंबर के इधर उधर स्थिति कुछ ऐसी ज़रूर बन सकती है जिससे संभावना बनती है कि सोने का भाव एकदम से नीचे आ जाए, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आने वाला जो समय है थोड़ा उथल पुथल से भरा समय है। अब आते हैं निष्कर्ष पर, क्या होगा। भारत की जो कुंडली बताने जा रही, तीसरा भाव चंद्रमा से संबोधित है, और भारत की कुंडली में वैसे भी विशिष्ट तौर से राहु बहुत बड़ा की रोल प्ले करता है। भारत विजयी होकर के सामने आएगा, और जितनी भी आर्थिक मंदी है, जितनी भी विपदाएं हैं, जितने भी देश के अंदर जो देश के छुपे हुए दुश्मन हैं, वो सारे के सारे एक्सपोज होंगे। और ये जो समय अवधि है मूलतः से सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक टाइम 20 नवंबर से लेके ज़्यादा सक्रिय हो जाता है जब बृहस्पति अपनी ट्रांजिट कर चुका है। इस समय पर 20 नवंबर से लेके लगभग जो समय है चैत्र नवरात्रि तक का, यानी कि लगभग मार्च तक का समय बड़ा स्पेसिफिक होने वाला है। और ये वो समय होगा जब बहुत ज़्यादा हालात ऊपर नीचे होंगे, लेकिन अंततः भारत विजयी होकर के हर चीज़ में सफलता ज़रूर पाएगा।